बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी थुजा ऑक्सीडेंटलिस की। थुजा ऑक्सीडेंटलिस बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, कैसे उसका यूज किया जाए, किन लक्षणों को ठीक करती है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज की डेट में कई लोगों की शिकायत होती है कि वैक्सीन लेने के बाद इस तरह के सिम्टम्स आने लगे, या फिर ऐसे लोग जिनके गनोरिया का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया, या फिर जिनके पेरेंटल हिस्ट्री में कभी गनोरिया रहा हो। इन तीन डोमेन के लिए थुजा बेहतर तरीके से काम करती है। पहला डोमेन इस तरह से है कि जो वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा हिस्ट्री ऑफ गनोरिया है, या फिर जिन्हें खुद गनोरिया है, यानी जो गनोरिया से जूझ रहे हैं। तो इसका यही डोमेन है थुजा का। थुजा की हिस्ट्री में इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा, और वो शरीर की फिजियोलॉजिकल व्यवस्था को ठीक से नहीं चलने देता है, कई बीमारियां उत्पन्न करता है। तो कई लोगों की शिकायत भी हो रही है इस समय कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लोगों को हो जा रहा है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी जो गनोरिया है, उसी का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट है। इसी वजह से पेशाब खुल के नहीं आ रही है, या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है पेशाब निकलने में, या फिर पेशाब यूनिब्लैडर में बचा रह रहा है। तो हिस्ट्री में देखिए वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है, या फिर गनोरिया जिसका इलाज ठीक से नहीं किया गया, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको गनोरिया है, यही बॉडी के अंदर डिस्क्रेसिया उत्पन्न करता है, यानी जो बीमारी है उसकी जड़ में पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह से बीमारियां कई बार शिकायत होती है लोगों की कि इस दवा को खाया, कुछ दिन आराम हुआ, उसके बाद आराम नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड यही है कि कुछ न कुछ हिडन डिस्टर्बेंस है, उसी हिडन डिस्टर्बेंस को ठीक करती है थुजा। तो देखिए, थुजा का जो पहला सिम्टम्स इस तरह से है कि एलिमेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, या फिर मालट्रीटेड गनोरिया। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आर्टिकुलर रिमेटिज्म, यानी जो ज्वाइंट्स हैं उनमें पेन होगा और पूरा खुलेगा नहीं, जिसे कई लोगों में शिकायत आ रही है ना कि डायबिटीज इस वजह से फ्रोजन शोल्डर आ रहा है। तो फ्रोजन शोल्डर के कारण डायबिटीज तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ भी है वैक्सीनेशन का और मालट्रीटेड गनोरिया का भी है। तो रिजल्ट ऑफ आर्टिकुलर रोमेटिस्म इसका रिजल्ट है। दूसरा क्या है, साइकोसिस यानी ग्रोथ हो रही है, जैसे वर्ड टाइप की ग्रोथ, या फिर प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेट बढ़ जा रहा है, या फिर इम्पोटेंस इम्पोटेंसी भी आ जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो साइकोसिस है ना, साइकोसिस मीन्स ओवर ग्रोथ। अगर यही ओवर ग्रोथ बाहर आती है तो वर्ट के रूप में आती है। अब सब लोग जानते ही हैं कि जो थुजा का जो वर्ट होता है ना, गोभी के फूल जैसा होता है। मीन्स यहाँ पे जैसे इस तरह से ये है, और इसका इस तरह से ऐसे होगा, यहाँ पे वाला पोर्शन खुरदुरा होगा और थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से। तो ऊपर वाले सरफेस खुरदुरा है, और जहां स्किन से जुड़ा हुआ है एकदम बहुत थोड़ा पोर्शन है। और इसको आप थुजा का अगर सीड देखेंगे तो इसी टाइप का होता है, यहाँ पूरा पोर्शन इस तरह से होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ होगा। और ये कोन शेप्ड होता है, थुजा कोनिफेरस प्लांट है। इसको ट्री ऑफ लाइफ इसलिए बोलते होंगे, बर्फबारी होती है तो बर्फबारी के समय और सभी पौधे खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कोनिफेरस यानी कोन शेप होने की वजह से जो बर्फ गिरती है यहाँ से फिसल जाती है, जब बर्फबारी होती रहती है तो फिसल जाती रहती है, फिसलती रहती है यहाँ से। तो इस तरह से इसका जो पौधा है वो नष्ट नहीं होता, जबकि बर्फबारी में और सभी पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो कोनिफेरस ग्रुप में रखने का भी यही मतलब है, इसीलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते होंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके देखिए कोन शेप है इसका, थोड़ा सा पोर्शन लगा हुआ है और इस तरह से पोर्शन यहाँ पे है। तो अगर इस टाइप का वर्ट है, साइकोसिस है, ग्रोथ है, तब उसको थुजा ठीक कर देती है। अगर दूसरे टाइप का है तो थुजा ठीक नहीं कर पाएगी। इसे फ्लैट वर्ट होता है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसे फ्लैट वर्ट, यानी यहाँ तक है इतना पोर्शन पूरा लगा हुआ, तो डलका मारा से ठीक होगा, थुजा से ठीक नहीं होगा। तो लोगों की धारणा होती है कि थुजा सभी टाइप के वर्ट के लिए है, ऐसा नहीं है। थुजा गोभी के फूल जैसा वर्ट के लिए बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करती है, साइकोसिस है, और प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो पेशाब पूरी नहीं निकलती है, खुल के नहीं जाती है, कई बार जाना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि कैथेटर बार बार करते रहते हैं,
तो उसके पीछे का रीजन माल्ट्रेटेड गनोरिया गया है, गनोरिया का इलाज ठीक से नहीं हुआ या फिर हिस्ट्री में कभी गनोरिया रहा हो, तो इस तरह से। और फाइनली क्या क्रिएट कर सकता है, इम्पोटेंस, नपुंसकता भी आ सकती है, आ जाती है। इसी तरीके के और ढेर सारे सिम्टम्स हैं जिसकी बैकग्राउंड में क्या है, वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है। और बॉडी और लिम मेड अप ऑफ ग्लास एंड ब्रेक इजली, इसको लगता है, महसूस ऐसा होता है कि जो बॉडी है पूरी शरीर या खासतौर से हाथ पैर ग्लास के बने हुए जल्दी से टूट जाएंगे, तो ये सेंसेशन है, ऐसा इसको लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में डिस्क्रेसिया यानी जो बीमारी है वो फैल गई है और माइंड सेट को डिस्टर्ब कर रही है। तो माइंड सेट कुछ इस तरह से है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर पावर, इसको लगता है कि हम किसी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में हैं, या सिर्फ सुपर पावर हमको गवर्न कर रही है, या फिर इसको ऐसा भी लगता है कि मेरी माइंड और बॉडी सेपरेट है, माइंड और बॉडी सेपरेट है, यानी कुछ अलग से उसको कमांड मिलता है, उसको उस कमांड के अंदर वो काम करता है, जैसे भूत प्रेत वाली सिचुएशन लगती है लोगों को, तो यहाँ भी कुछ इसी टाइप का है। मीन्स भूत प्रेत नहीं हुआ है, उसको सिर्फ ऐसा लगता है, सेंसेशन है, फीलिंग है थूजा का। और स्वेट ऑन अनकवर्ड पार्ट ड्यूरिंग स्लीप, यानी जो अनकवर्ड पार्ट है, जैसे यहाँ पे इतना हाथ पूरा आगे खुला रहता है इस तरह से हेड, तो इसी पर पसीना आता है, और खास तौर से सोते समय, जगते ही पसीना गायब हो जाता है, जगते ही पसीना गायब हो जाता है। और खास बात, अगर जैसे मान लीजिए ये पोर्शन है पूरा यहाँ पे इस तरह से, ऐसे यहाँ पे पसीना आ रहा है, हेड पर पसीना आ रहा है, यानी जो खुला पार्ट है जो कपड़े से ढके नहीं होते हैं वहां पे पसीना आता है, और जो ढके हुए पार्ट हैं, यानी ढके हुए पार्ट हैं, तो उनमें जो स्किन में कुछ दिक्कत होती है, स्किन डिजीज होगी, क्योंकि ढके हुए पार्ट पे पसीना नहीं आता, तो पसीना नहीं आता तो वहां की जो इम्प्योरिटीज होगी, जो गंदगी होगी, वो बाहर, टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेंगे। जब टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेंगे तो जो खुला हुआ पोर्शन है, यानी खुले पोर्शन में क्या है, इसको पसीना तो आ रहा है, लेकिन जो ढका हुआ पोर्शन है उसके स्किन की टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, तो वहां पे क्या है, एक्जिमा या खुजलिया इसी तरीके से कुछ होता है। तो एक्जिमा खुजली ढके हुए पार्ट में है, तो कंफर्टेबल रहते हैं कि बाहर दिखता नहीं। एक्जिमा लोगों को परेशान ज्यादा इसलिए करता है कि बाहर दिखता है, और जो कॉस्मेटिक पैरामीटर्स हैं उसको खराब करता है, उसके साथ साथ खुजली भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी एक्जिमेटस पैरामीटर्स हैं सब ढके हुए पार्ट में हैं, बाहर नहीं दिखता, क्योंकि बाहर जो खुला वाला पोर्शन है उसमें पसीना होता है, तो पसीना होने से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है, तो इस वजह से ऐसी अवस्था है यहाँ पे। और सोते समय ही होता है, जगते ही पसीना खत्म हो जाता है। और ब्रेकफास्ट डायरिया, यानी खाना खाते ही डायरिया हो जाती है, और ऐसा स्टूल पास होता है जैसे लगता है कि बॉटल जो है उसमें से पानी एक साथ निकल रहा है, आवाज आती है पेट में, तो ब्रेकफास्ट डायरिया है, और पेट में आवाज इस तरह से आती है जैसे कि बोतल में से पानी निकल रहा हो। और स्वॉलन पाइल्स, पाइल्स में है सूजन है, पाइल्स में तेज दर्द है, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, बैठने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग बाइक पर देखे आड़ा तिरछा होकर बैठे रहते हैं, तो उनको आप समझ लीजिए कि पाइल्स की दिक्कत है, तेज दर्द होता रहता है, सीवियर पेन है यहाँ पे व्हेन सिटिंग, तो यानी जब बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा दबाव पड़ता है, तेज दर्द हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा तिरछे करके बैठे रहते हैं, तो बैठने के अंदाज से पता चल जाता है, या फिर कुर्सी पर जब बैठेगा तो इस तरह से बैठेगा ताकि उस पर लोड ना पड़े, यानी लोड सीधे ट्रांसफर हो जाए, कहाँ पे जो जांग वाला पोर्शन वहां वहां पे ट्रांसफर हो जाए, नीचे वाले पोर्शन पर ना पड़े, इस तरह से पाइल सूजन है, वहां पे तेज दर्द भी है। और एनस में फिसर्ड है, यानी वहां पे क्या है कि ये जो रेक्टम है, ये वाला रेक्टम पोर्शन है, यहाँ पे इस तरह से खरोच जैसी आ गई है, और इधर वाला पोर्शन जो है वहां पे भी दर्द है, छूने से भी दर्द करता है इस तरह से। तो इस तरह से साइकोसिस के जो हिडन डिस्क्रेसिया है, जो हिडन बीमारियां के जो रूट काज है, उसको खत्म करने के लिए थूजा यूज की जाती है। थूजा रात को सोते समय, जैसे नक्सभूमिका आप लेते हैं रात को सोते समय बेहतर रिस्पांस करती है, तो उसी तरीके से थूजा की भी है, थूजा रात को सोते समय लिया जाए तो बेहतर रिस्पांस करेगी, दिन में भी रिस्पांस करेगी, ऐसा नहीं कि दिन में लेने से उसका नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं करेगा, फायदा करेगा, लेकिन रात में बेहतर रिस्पांस करेगा। जिस तरह से थूजा की बात, कुछ बातें समझ में आई होंगी, और कुछ अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज बस इतना ही। लेने का तरीका इस तरह से है कि आप मदर टिंचर यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार, इसके बाद इसकी पोटेंसी 30-200 इस तरह से बढ़ाते जाएं,
तो जो हिडन डिस्क्रेसिया है वो ठीक होगी और जो रूट काज है वो भी इलिमिनेट होगा। आपने काम की बात समझा, कुछ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, कुछ लोगों को भला हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।